वेलकम बैक टू आवर चैनल होम्स फॉर सेल। और मैं आज आपकी दोस्त आप सभी के लिए फिर से लेकर आई हूँ 2 BHK का फ्लैट, जो मिलेगा आपको सोसाइटी फ्लैट। हाँ भाई, सोसाइटी फ्लैट ही लेकर आई हूँ। आई नो कि आप सभी की डिमांड पर इधर सोसाइटी फ्लैट है, क्योंकि सोसाइटी फ्लैट में बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो अब आपके लिए मैं 2 BHK लेकर आई हूँ। आपको 70 गज में 2 BHK फ्लैट मिलने वाला है। सोसाइटी फ्लैट होगा, कॉमन टेरेस गार्डन मिलेगा, लिफ्ट, कार पार्किंग आपको मिलने वाली है, बिल्डिंग का एलिवेशन खूबसूरत होगा, फुली फर्निश्ड फ्लैट होगा, फुली वेंटिलेटेड होगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस फ्लैट में। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करती हूँ और आपको पूरा फ्लैट दिखाती हूँ, और अब बाद में आपको बताऊँगी कि आप कैसे इस फ्लैट को खरीद सकती हैं अगर आपको पसंद आया है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर लोकेशन आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। नवादा मेट्रो स्टेशन आपका सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर होने वाला है यहाँ से। तो बहुत अच्छा फ्लैट है, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ आपको सबसे पहले, लेकिन उससे पहले आप देखिए कार पार्किंग का स्पेस, बिल्डिंग का एलिवेशन, लिफ्ट, देन फ्लैट दिखाती हूँ। देखिए आपने कार पार्किंग, बिल्डिंग एलिवेशन, देखिए अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे सैंपल रेडी होने हैं। काम चल रहा है पर ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन आपके लिए जो आपका फ्लैट है वो पूरी तरीके से तैयार है, रेडी टू मूव है। बहुत बढ़िया फ्लैट आपको मिल गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि एंट्रेंस देखिए, ये आपकी एंट्रेंस होने वाली है यहाँ से। ये आपका एंट्रेंस गेट है और इसमें भी आपको यहाँ पर डिजिटल लॉक की फैसिलिटी मिलने वाली है। तो डिजिटल लॉक आपको मिलने वाला है, सिक्योरिटी पूरी रखी गई है आपकी। एंट्रेंस के साथ ही आपको मिलेगा ये लिविंग एरिया, तो फुली फर्निश है। तो आप देख सकते हैं सोफा सेट लगा हुआ है, आपको फुली फर्निश मिल रहा है। बीच में आपकी कॉफ़ी टेबल है। कॉफ़ी टेबल के साथ ही अगर आप देखेंगे पीछे की वॉल का लुक, तो पीछे की वॉल का भी आप लुक देख सकते हैं, बहुत डिसेंट तैयार किया गया है। लैंप आपको लगे हुए दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया लुक आपको मिलने वाला है। आप जरा इधर नज़र घुमाइए, तो यहाँ आ जाता है आपका टीवी पैनल फ्रंट में। तो इतना स्पेस है कि यहाँ पर आप आराम से 50 इंचेस का टीवी लगा सकते हैं अपना। बहुत बढ़िया स्पेस साथ आपको मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल स्विच आपको मिल जाएंगे। नीचे आपका स्पेस, नीचे आपको शेल्फ मिल जाएंगे दो यहाँ पर टीवी पैनल के साथ ही। अब जरा एक बार ऊपर नज़र घुमाइए फोर सीलिंग पर। तो फोर सीलिंग अब आप देखिए यहाँ पर कितनी बेहतरीन आपको मिलने वाली है। दो फैंस मिल रहे हैं आपको, दो फैंस के साथ आपको यहाँ पर ये स्कैंडलर मिल रहा है, जो बहुत सुंदर झूमर की तरह आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लाइटिंग आप देख सकते हैं, कलर थीम आप देखिए, और सबसे अच्छी बात इसका डिज़ाइन देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो ये आपने देख लिया। अब इसी वॉल से आप अगर देखेंगे इस वाली साइड पर नज़र वॉल घुमाएंगे, तो बहुत डिसेंट वॉल आपकी तैयार की गई है। इधर ही आपको स्प्लिट AC का प्रोविज़र मिल जाएगा। यहाँ आपकी एल टाइप में पूरी वॉल जो तैयार की गई है, बहुत अच्छे लुक के साथ तैयार की गई है। कोई क्वालिटी का काम नहीं है, कोई वॉलपेपर नहीं है, बहुत बढ़िया वॉल आपको तैयार है। तो ये लिविंग एरिया आपने पूरा देख लिया, फोर सीलिंग अब आपने देख ली। अब मैं दिखाती हूँ आपको कॉमन वॉशरूम, जो आपको लिविंग एरिया में मिलेगा। तो आ जाइए, देखिए लिविंग वॉशरूम में जाने से पहले आपको दिखाती हूँ बाहर का स्पेस। तो बाहर आपको एक वॉश बेसिन मिल रहा है। कॉमन वॉशरूम में तो ऑब्वियसली बात है, हाथ वाथ धोने के लिए स्पेस चाहिए, तो ये वॉश बेसिन आपको मिल रहा है। सेंसर वाली लाइट के साथ आपको ये मिरर मिल जाएगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। अब इसके बाद एक कॉमन वॉशरूम की झलक देखिए, जो आपको बहुत स्पेशियस मिलने वाला है। प्रॉपर टाइलिंग के साथ आपको मिलेगा, सैनिटरी फिटिंग के साथ आपको मिलने वाला है, तो बहुत बढ़िया मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो अब आएगा आपका किचन का एरिया। तो फैमिलीज ये है आपका 2 BHK 70 गज में किचन का स्पेस, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया स्पेस आपको मिल रहा है। 5 फुट तक आपको टाइलिंग का काम मिल रहा है, ताकि यहाँ पर वॉल्स गंदी ना हो। नीचे की अगर ये स्लिप देखेंगे ऊपर यहाँ पे, तो आप देखते हैं कि स्लिप काफ़ी अच्छी है, स्पेस है काफ़ी ज़्यादा, तो सामान रखने में या बर्नर रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ आपको मिल जाएगी सेंसर वाली चिमनी, चिमनी का आप लुक देख सकते हैं। उसी के साथ कैबिनेट्स मिल जाएंगे मिरर वर्क के साथ। अगेन एज यूजुअल जैसे आप देखते हैं, तो आपको पूरा काम वैसे ही करके दिया जा रहा है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है। नीचे ही कैबिनेट हमेशा की तरह आपको अच्छी यहाँ पर मिलने वाली हैं, सारी नीचे आपको ये कैबिनेट्स मिल जाएंगे।
इधर आपका वॉशिंग एरिया आ जाएगा, अभी वाटर फिटिंग नहीं हुई है बट वो बहुत जल्द हो जाएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेंटिलेशन आपको मिलेगा, तो वेंटिलेशन आप देख सकते हैं यहाँ आपको वेंटिलेशन मिल रहा है, शाफ्ट मिल रहा है, क्योंकि भाई किचन के अंदर चाहे कुछ हो या ना हो वेंटिलेशन ज़रूर चाहिए होता है, तो वेंटिलेशन आपको मिल जाएगा, स्पेस आपको मिल रहा है। ऊपर की फोर सीलिंग आप देखिए किचन की, यहाँ पर ये लैंप के साथ आपको कितनी सुंदर यहाँ पर डिज़ाइन मिल रहा है। लाइटिंग आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया मिल जाएगी, डिज़ाइन बहुत बेहतरीन है। किचन देख लिया, अब बारी आती है बेडरूम्स की, चलिए बेडरूम्स दिखाती हूँ। तो अभी सबसे पहले दिखाती हूँ आपको फर्स्ट बेडरूम, तो आ जाइए। सो फैमिलीज ये है आपका फर्स्ट बेडरूम, तो आप फर्स्ट का लुक देख सकते हैं। यहाँ पर बेड आप देख रहे हैं, बेड आपका लगा के दे दिया, फुली फर्निश है, कुशन आपको यहाँ मिल रहे हैं, क्विल्टिंग का काम मिल रहा है। पीछे वॉल पे जो डिज़ाइन एक बार देखिए जरा, वॉल पेपर का जो डिज़ाइन है कितना शानदार लग रहा है, मतलब बहुत क्लासी और बहुत डिसेंट डिज़ाइन आपको मिलने वाला है वॉलपेपर का, वाकई बहुत सुंदर है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इस साइड नज़र घुमाएंगे तो यहाँ आपको ड्रेसिंग टेबल लगा के दिया जा रहा है आपका, आप इसका मिरर के साथ आपको मिल रहा है, नीचे शेल्फ मिल रही है आपको, तो ये आपका ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा। मेरे अगर राइट हैंड साइड नज़र घुमाते हैं तो वार्डरोब आ जाएगी आपके, वार्डरोब आपको एल टाइप में मिल रही है, आप इसका पूरा लुक देख सकते हैं। कलर थीम बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, एल टाइप की आपको वार्डरोब मिल रही है, अगेन वेंटिलेशन आपको मिल रहा है, यहाँ पर विंडो आपको मिल रही है। फ्रंट में आते हैं तो टीवी पैनल आपका आ जाएगा, टीवी पैनल का आप लुक देखिए ज़रा कितना बढ़िया आपको मिल रहा है। ये वॉलपेपर का डिज़ाइन ज़रूर देखिए, बहुत सुंदर यहाँ पर ब्लैक एंड ये सिल्वर कलर का जो डिज़ाइन है बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत आपको मिल रहा है। तो फैमिलीज आपने टीवी पैनल देख लिया, अब अगर फोर सीलिंग देखिए इस रूम की, फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और दिखाते हो। देख लिया फोर सीलिंग, भाई बेडरूम तो दिखा दिया, अब आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट, आप इधर आ जाइए। सो फैमिली बेडरूम के बाद आपको ये स्पेस मिलने वाला है यहाँ पर, हाँ ये बालकनी नहीं है बट हाँ उसी की तरह आपको मिल रही है। आप इसको या तो अपना गार्डन एरिया बना सकते हैं या मी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आप अपने झूले वगैरह लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा। इधर आपका वॉशिंग एरिया भी है, टैप आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, तो वॉशिंग एरिया इलेक्ट्रिकल बोर्ड है तो आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं यहाँ पर, अपने वॉशिंग एरिया के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। और इधर आप मी टाइम स्पेंड करने के लिए इसे एक अच्छा सा कॉर्नर अपना बना सकते हैं। अब इसके ऊपर का जो है डेकोर देखिए कितनी ग्रीनरी के साथ आपको ये तैयार करके दिया जा रहा है। प्रोफाइल लाइट आप देख रहे हैं, पूरी ग्रीनरी आपको देख रहे हैं यहाँ पर, आपको गमले यहाँ पर आप लगे हुए देख रहे हैं, लैंप आपको मिल रहा है, तो बहुत सुंदर इस एरिया को तैयार किया गया है मी टाइम स्पेंड करने के लिए, तो बहुत बड़ा स्पेस है आपको, वेंटिलेशन वगैरह आपको मिल ही रहा है। तो चलिए आप चलते हैं फिर नेक्स्ट बेडरूम में, आ जाइए। सो फैमिलीज ये है आपका नेक्स्ट बेडरूम एंड की सेकेंड बेडरूम जो होने वाला है, और आपका मास्टर बेडरूम होने वाला है, तो आप इसका पूरा लुक देखिए, बेड का स्पेस आपको मिल रहा है, अगेन वॉल पर आप वॉलपेपर का काम देखेंगे, वॉलपेपर भी बहुत सुंदर आपको मिल जाएगा। मेरे अगर इस साइड आप देखेंगे यहाँ आपको वॉशरूम अटैच मिलने वाला है इसके अंदर, अगेन आपको सेंसर वाली लाइट इसमें वॉशरूम में मिलने वाली है, तो वॉशरूम आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा, सैनिटरी फिटिंग के साथ मिल रहा है, टाइलिंग के काम के साथ मिल रहा है और बहुत अच्छे स्पेस के साथ आपको मिल जाएगा। इधर इसमें भी वेंटिलेशन है, तो जैसे कि मैंने कहा था वेंटिलेशन आपको मिलेगा, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होगी, पूरा फ्लैट आपको वेंटिलेटेड मिल रहा है। फ्रंट में है टीवी पैनल आ गया आपका, तो ये इस रूम में भी आपको टीवी पैनल तैयार करके दिया जा रहा है। तो टीवी पैनल आपने देख लिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम की वार्डरोब, तो वार्डरोब आपका लुक देख सकते हैं, वाइट थीम के साथ आपको वार्डरोब को मिलेगा, स्लाइडिंग वाली आपकी वार्डरोब होने वाली है, स्पेस काफ़ी अच्छा होने वाला है इसके अंदर, टॉप तक आपको वार्डरोब का डिज़ाइन यहाँ मिल रहा है। तो ये मास्टर बेडरूम आपका प्रॉपर बढ़िया तरीके से तैयार कर दिया गया है, वॉशरूम अटैच है, वेंटिलेशन है, टीवी पैनल मिल रहा है, वार्डरोब है और बेड तो खैर है ही, बिना बेड के तो कुछ होगा भी नहीं। तो चलिए अभी अगर फोर सीलिंग का डिज़ाइन देखिए इस रूम का कितना बढ़िया आपको मिल जाएगा, कॉब लाइट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ब्लू कलर की प्रोफाइल लाइट के साथ हाईलाइट किया गया है,
तो फैमिलीज ऐसे बेडरूम्स और ऐसे फ्लैट सिर्फ होम्स फॉर सेल ही आपको तैयार करके देता है, क्योंकि बहुत बढ़िया आपको 2 BHK 70 गज में नवादा जैसी लोकेशन पर मिल रहा है, जो मेट्रो से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर दूर है। यहाँ पर आपको लिफ्ट कार पार्किंग मिल रही है, टेरेस गार्डन आपको कॉमन टेरेस गार्डन मिल रहा है। भाई टेरेस गार्डन भी बहुत बढ़िया है, आप एक बार लुक दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत अच्छे टेरेस गार्डन के साथ आपको मिल रहा है। कार पार्किंग लिफ्ट मिल रही है, डिजिटल लॉक की फैसिलिटी आपको फ्लैट के अंदर मिल रही है, फुली फर्निश है, सेमी चाहते हैं सेमी मिल जाएगा, 100% लोन के साथ यहाँ पर आपको होम्स फॉर सेल देने वाला है आपको आपके सपनों का घर। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, फ्लैट पसंद आया है तो कमेंट जरूर कीजिए और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं तो कॉल करना मत भूलना। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।